दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपके YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर एक सेक्शन रहता है व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस का, ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सेक्शन का मतलब होता क्या है, और जैसे आप इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ दिखाई देंगी। तो ये वीडियोज़ कौन सी है, ये वीडियो आपकी YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर क्यों दिखाई दे रही है, इन वीडियोज़ का मतलब क्या है, और इन वीडियोज़ से आप जो है कैसे इंस्पिरेशन लेके अपनी यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ये सब जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी कंटेंट फाइंड करने में दिक्कत महसूस हो रहा है आपको, आप भी अपने YouTube वीडियोस के लिए टॉपिक फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने YouTube चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और अपने YouTube चैनल को ग्रो करने से रिलेटेड वीडियोस ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियोस दोस्तों आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, और आपको एक छोटा सा एक काम और करना है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, जैसे मैं अपने डैशबोर्ड में वापस चला जाता हूं इस प्रकार से, उसके बाद आप एनालिटिक्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन जब आप ऑडियंस वाले टैब को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस वाला सेक्शन। मैं इस सेक्शन को ओपन कर लेता हूं, और यहां पे आपको बहुत सारा वीडियोस दिखाई दे रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये वीडियोस आपकी नहीं है, ये वीडियोस दूसरे यूट्यूबर्स की हैं। ये वीडियोस आपके YT स्टूडियो के एप्लीकेशन के अंदर इसलिए शो कर रहा है, ये सेक्शन बताता है कि आपके सब्सक्राइबर्स, आपकी जो ऑडियंस है वो यूट्यूब में दूसरे सब्सक्राइबर्स मतलब दूसरे YouTube चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं, और ये वो वीडियोस हैं जो आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जो ऑडियंस है वो दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये वीडियोस हमारे YT स्टूडियो के अंदर शो हो रहा है तो इससे हमको क्या समझ में आता है। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो इस वीडियो को देख रहे हैं दूसरे YouTube चैनल के, तो इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन लेना है। ये वो पॉपुलर वीडियोस है दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 दिन पहले 1.2 लाख व्यू आया हुआ है जुन्नू के टेक यूट्यूब चैनल से, मनोज डे के चैनल से आप 5 दिन पहले देख सकते हैं दोस्तों 1.3 लाख व्यूज आया हुआ है। तो ये जो ट्रेंडिंग वीडियोस है दोस्तों, ये पॉपुलर वीडियोस है, तो आप क्या कर सकते हैं इन वीडियोस से इंस्पिरेशन लेके, इन वीडियोस को चुन के, इनको एज अ टॉपिक चूज करके आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल सकते हैं, और इन जिन्होंने जिन टॉपिक की बात किया हुआ है, इन यूट्यूबर ने जिन टॉपिक पे जिन प्रॉब्लम पे बात किया हुआ है वो उस प्रकार की वीडियोस सेम अपने चैनल में अपलोड करके आप जो अच्छे खासे व्यूज़ ला सकते हैं। इससे आपको बेहतरीन कंटेंट आइडिया मिल जाएगा। अगर आप कंटेंट फाइंड नहीं कर पाते अपने यूट्यूब चैनल के लिए, आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, मैं नेक्स्ट वीडियोस अपने किस टॉपिक पर होना चाहिए, तो यहां से आपको अच्छा खासा जानकारी मिल सकता है दोस्तों। ये बहुत ही गजब का फीचर है YT स्टूडियो के एप्लीकेशन के अंदर, जिसको आपको डेफिनेटली यूज़ करना ही करना चाहिए। आपको इससे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में बहुत जबरदस्त मदद मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा बात यह आता है कि ये फीचर्स कैसे इनेबल होगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यूट्यूबर्स जिन्होंने नया अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मे बी उनके YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर ये वाला ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा, व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस का सेक्शन। तो दोस्तों अब ये बात आता है कि इस फीचर्स को हम कैसे इनेबल करेंगे। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस फीचर को इनेबल करने का कोई ट्रिक नहीं है। जैसे जैसे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होते जाएगा, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो यूट्यूब को एक डेटा मिलेगा आपके ऑडियंस की एक्टिविटी से रिलेटेड। तो ये दोस्तों ये सेक्शन जो है आपके ऑडियंस की एक्टिविटी से रिलेटेड ही सेक्शन है। ये सेक्शन दिखाता है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो दूसरे यूट्यूबर्स के कौन कौन से वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपके चैनल में ऑडियंस ही नहीं है तो कहां से उनकी एक्टिविटीज को शो करेगा, ठीक है। तो जैसे आपके चैनल पर ऑडियंस बढ़ते जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, तो ये वाला सेक्शन आपके यूट्यूब चैनल में आपके YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये दिखाई दे रहा है ऑल सेक्शन, मतलब यहाँ पे आपको दो और सेक्शन दिखाई देगा वीडियोस। तो इससे आपको दोस्तों आपके सब्सक्राइबर्स के एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो दूसरे यूट्यूबर्स की किन वीडियोज़ को देख रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो दूसरे यूट्यूबर्स की किन शॉर्ट्स वीडियो को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों लॉन्ग वीडियोज़ के लिए नहीं, शॉर्ट्स वीडियो के लिए भी आपको गजब का टॉपिक जाएगा, कि आपको अब सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे लॉन्ग वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों ये एक गजब का फीचर्स है YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस का, जिसको आपको मस्ट यूज करना चाहिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने चैनल पर व्यूज कैसे लाऊं, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस फीचर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इस फीचर का मतलब क्या होता है, और ये फीचर आपको कैसे बेनिफिट देगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।